शिवपुरी जिलेटिन माधव चौक पर स्वच्छता का संदेश लेकर हाथ में स्वच्छता का बोर्ड लेकर एक युवक अकेला खड़ा हुआ है, जहां उसकी मंशा है कि उसको देखते हुए और भी लोग उसके साथ जुड़ेंगे और शिवपुरी को स्वच्छ बनाने में उसका साथ देंगे। वहीं युवक अभिषेक प्रेम दुबे ने बताया कि वह शिवपुरी का रहने वाला है और फिलहाल वह इंदौर में रहता है। जब वह इंदौर से शिवपुरी आता है तो उसको शिवपुरी में काफ़ी गंदगी देखने को मिलती है, जहाँ उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उनका हाथ में स्वच्छता का बोर्ड लेकर खड़े होने का उद्देश्य है। जिन लोगों की नज़र उन पर पड़ेगी, वे स्वच्छता को लेकर विचार अपने मन में ज़रूर करेंगे और उनके द्वारा स्वच्छता के शुरू किए गए मिशन में हिस्सा बनेंगे, जिससे इंदौर की तरह शिवपुरी भी स्वच्छ हो सके। जी, मेरा उद्देश्य है कि हम सभी को मिलकर शिवपुरी को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अकेला खड़ा हूँ, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जिन जिन लोगों की नज़र मेरे इस पोस्टर पर जाएगी, वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हम सभी मिलकर शिवपुरी को स्वच्छ बनाने की दिशा में साथ साथ काम कर सकते हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं शिवपुरी का नागरिक हूँ। शिवपुरी क्लीन शिवपुरी, ग्रीन शिवपुरी, शिवपुरी एकदम स्वच्छ और साफ हो। जिस प्रकार आज पूरे देश में इंदौर का फर्स्ट नंबर आया है, मैं चाहता हूँ कि छोटी जगह शिवपुरी पूरे देश में फर्स्ट आए और यहाँ के लोगों को, सब लोगों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। अभी अभी अभिषेक दुबे जी ने जैसा बताया कि उन्होंने जिम्मा उठाया कि मेरे को शिवपुरी को ग्रीन शिवपुरी, क्लीन शिवपुरी करना है। मैं इनके साथ में हूँ, शिवपुरी का सारा व्यापारी इनके साथ में रखूँगा, शिवपुरी की जनता को इनके साथ जोड़ूंगा। मैं बेस्ट समाज का प्रदेश महामंत्री पद पर काम कर रहा हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।